क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। देखो यहां पर मैं ये वाली उंगली की बात नहीं कर रही, क्योंकि अगर आपने ये वाली उंगली किसी को कर दी तो आपको देखो फायदे कम नुकसान ही उठाने पड़ सकते हैं। अगला तैश में आ जाएगा, और उंगली किसको दिखा रहा है, किसको कर रहा उंगली, बोल सकता है ना, या बोल सकती है। आजकल तो लड़कियां भी बड़ी बोल्ड होती हैं। लेकिन मैं जिस उंगली की बात कर रही हूं यहां पे, अगर वो आपने किसी फीमेल को कर दी बेड पर संभोग क्रिया के दौरान, तो फायदे ही फायदे हैं। जी हाँ, मैं उसी उंगली की बात कर रही हूं। तो उंगली करने का मतलब देखो यहां पर साफ है कि किसी फीमेल की वजाइना में उंगली करके उसे उत्तेजित करना, उसे सेक्सुअली अराउज करना, जो कि एक मेल को भी पसंद होता है और एक फीमेल को भी बहुत पसंद होता है। ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें आप एक उंगली का भी उपयोग कर सकते हो और एक से ज्यादा उंगलियों का भी उपयोग कर सकते हो। इस एक्ट को वजायना में उंगली करने की इस प्रक्रिया को फोर प्ले का ही हिस्सा माना जाता है, जिसमें कोई मेल अपनी फीमेल पार्टनर की वजायना में उंगली करता है, उसे उत्तेजित करता है, सेक्सुअली अराउज करता है और सेक्स करने के लिए रेडी करता है। देखिए, इसे संभोग क्रिया के दौरान संभोग सुख पाने का ही तरीका समझा जाता है, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि थोड़ा हार्ड नहीं हो जाता। अब मुझे समझ नहीं आता ये हार्ड कैसे हो जाता है। क्या आप अपनी उंगलियों को गर्म रेत में देते हो करने से पहले, लोहे जैसा बना रखा है जो ये हार्ड हो जाता है। कभी कभी लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ना कि मुझे तो हंसी आती है। अब चलो इस उंगली करने के फायदे और नुकसानों के ऊपर बात की जाए, तो देखो इसमें मुझे फायदे ही फायदे नजर आते हैं, नुकसान तो एक भी नहीं नजर आता। क्योंकि अगर आपने बढ़िया तरीके से अपने बेड पार्टनर को उंगली कर दी उसकी वजाइना में, तो पानी का फव्वारा तक छोड़ देती है, जिसे स्क्वाटिंग कहते हैं। और मान लो आप नीचे तो उंगली कर रहे हैं और ऊपर आप स्मूच करे जा रहे हैं, मतलब लगे भिड़े पड़े हैं, होठों को चूस रहे हैं, तो समझो अगली डिस्चार्ज 2 से 3 बार तो वैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगी, औजार तो आपका अंदर गया भी नहीं अभी तक। फिंगरिंग देखो एक ऐसी चीज है कि अगली का अगर मूड भी नहीं है ना, क्या चलो हटो छोड़ो मुझे नहीं करना, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, आज नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी बहाना तैयार है, तब भी आप उसको फिंगरिंग करके उसका मूड बना सकते हो। बस आपको करना क्या है, मौके पे चौका मारना है। मान लो कि अगली बिजी है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है या फिर किचन में खड़ी हुई खाना बना रही है, आपने पीछे से गए नीचे की तरफ हाथ दिया, उंगली दी, थोड़ा डेयरनेस होनी चाहिए, उंगली दी, अगली का मूड सेट, कुछ भी नहीं कर पाएगी। और बेलन पे ऐसे अगर रोटी बना रही होगी ना, तो बेलन भी गया हाथ से। इसी तरह से अगर मान लो रात को आप सो रहे हैं, बेड पर पलट के मुंह करके सोई हुई है, जाके सटक जाओ, चिपक जाओ जाके, और नीचे हाथ दे के अपना फिंगरिंग कर दो, लेटे लेटे उसका मूड बन जाएगा। ये फिंगरिंग चीज ही ऐसी है। और तो और झटपट सेक्स के दौरान, जिसे क्विक सेक्स भी कहा जाता है, जब दो लोगों को माहौल उनके हिसाब का नहीं मिल रहा होता, टाइम अवेलेबिलिटी नहीं होती, या बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बहुत ज्यादा सेक्सुअली अराउज होते हैं लेकिन करे कैसे, नहीं बन पा रहा होता हिसाब, तब दो लोग एक दूसरे को उंगली करके, मतलब एक मास्टरबेट करके तो दूसरा उंगली करके उसे सेटिस्फाइड करते हैं एक दूसरे को। इतना जबरदस्त रोल होता है इन उंगलियों का, क्योंकि उस वक्त देखो वो उचित माहौल, वो उचित समय नहीं होता कि कोई आदमी जो है अपने औजार का सदुपयोग कर सके। तो उस वक्त उंगलियां जो होती है ना, वही औजार बनी हुई होती है ना। देखो कितना बड़ा फायदा उंगली करने का। सेम इसी तरह से जब कोई औरत बेड पर अपने पार्टनर के साथ हम बिस्तर हो रही होती है, उसके पीनस में तनाव भी बड़ा जबरदस्त होता है, मतलब खूब धक्के सक्के लग रहे होते हैं और सेक्स के चरम सीमा पर होता है, लेकिन एक औरत को उस वक्त इतना ज्यादा अराउजल फील हो रहा होता है, वो इतनी उत्तेजित हो रही होती है कि खड़ा हुआ जो औजार होता है ना, वो भी किसी काम का नहीं रहता। अगले को समझ नहीं आता यार मैं सेटिस्फाइड कैसे करूं, तनाव भी भरपूर है, तब भी वो ऊ आ करे जा रही है, उसको शांति क्यों नहीं मिल रही। उस वक्त ये उंगलियां ही काम आती हैं, मतलब वो सिचुएशन होती है संभोग क्रिया की और उस दौरान उस औरत की, कि सामने खड़ा हुआ सामान तनाव वाला हार्ड इरेक्टेड पीनस भी उसे सेटिस्फाइड करने में असमर्थ होता है। मजाक नहीं है, तब ये उंगलियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जरा मुझे ये बताइए कि कितने लोगों के नीचे आग लग चुकी है, बम विस्फोट हो चुका है, शायद सब उंगली करने वाले हैं रात को बिस्तर पर, अपने सामान को तो भूल ही गए होंगे कि भैया हमें हथियार भी दिया हुआ है, उसका भी उपयोग कर ले, आज तो सब उंगलियों से ही खेलेंगे। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको उंगली करने का महत्व बताया, उसके फायदे बताए। कैसा लगा ये वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।